लूका रचित सुसमाचार 13:18 से 21 तक। लूका 13:18 से 21। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य किसके समान है और मैं उसकी उपमा किससे दूं? वह राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया और वह बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। उसने फिर कहा, मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं? वह खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया और होते होते सब आटा खमीर हो गया। प्रिय भाई बहनों, इधर ये छोटा सा एक उदाहरण प्रभु ने दो उदाहरण दिया है परमेश्वर का राज्य के बारे में। परमेश्वर का राज्य किसके समान है करके प्रभु शुरू करके ये दोनों चीज़ को प्रभु बताते हुए पढ़ते हैं। हमको मालूम है राई का दाना मतलब दूसरा एक जगह में पढ़ते हैं, मरकुस 11 अध्याय में पढ़ते हैं, उधर राई का दाना के बारे में पढ़ने के समय में वो विश्वास के समान था। विश्वास को दिखाता है राई का दाना। प्रभु बोला है तुम्हारा विश्वास राई का दाना जैसे है, तो भी छोटा है तो भी उसमें जीवन है, तो प्रभु का वचन का ऊपर, प्रभु का ऊपर वो विश्वास आप रखा है तो वो जो भी आप हृदय का अंदर विश्वास करके जो भी आप बोलेंगे, पहाड़ हट जा, समुंदर में गिर जा, अंजीर का पेड़ तुम उखाड़ कर उधर उकट जाओ और समुंदर में जाओ, और ये अंजीर का पेड़ तुम सूख जाओ, ये सब चीज़ हो जाएगा। मतलब विश्वास राय का दाना के समानता में प्रभु उधर बताते हुए पढ़ते हैं। प्रिय भाई बहनों, इधर प्रभु परमेश्वर का राज्य के बारे में एक राय का दाना के बारे में बोल रहा है। मतलब इधर देखते हैं एक मनुष्य उस राय का दाना को लेकर अपना बगीचा में बोया। ये किसको दिखाता है? परमेश्वर का राज्य छोटा सा शुरुआत हो सकता है, छोटा सा विश्वास हो सकता है, लेकिन हम उनके लिए प्रभु का व प्रभु का ऊपर हम विश्वास करते हुए हमारे जीवन में कोई भी चीज़ के लिए शुरुआत में पहले हम बोल सकते हैं हम प्रभु का बच्चा कैसे बनते हैं। प्रभु का वचन कोई बताए हमको सुसमाचार, यीशु मसीह तुम्हारे लिए बलिदान हुआ, तुम पापी हो, उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, तुम उसको उसके पास आओ, पाप के लिए पश्चाताप करो और उस बलिदान को पर विश्वास करो। यीशु मसीह बलिदान हुआ, 3रा दिन गाड़ा गया, 3रा दिन जिंदा हुआ और परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा है। इसको तुम्हारा हृदय में विश्वास करके मुँह से कबूल करोगे तो तुम उद्धार पाओगे, रोमियो में लिखा। प्रिय भाई बहनों, ये हम उस समय में हमारा जीवन में जो विश्वास वो छोटा सा ऐसे दिखने में ऐसे ये क्या किया, एक छोटा सा प्रार्थना विश्वास करके हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें इतना बड़ा कार्य होने वाला है, तुरंत हो जाता है। हमारा आत्मा जो मरा हुआ है पाप से तुरंत जीवित हो जाता है, हम प्रभु के बच्चा बन जाते हैं, स्वर्ग में जीवन का पुस्तक में तुरंत हमारा नाम लिखा जाता है। एक भाई ने गवाही बताया, जब स्वर्ग में वो गया तब बीच बीच में बेल्स मतलब घंटी बजते रहता था, तब वो बोल रहा था सब लोग तुरंत घंटी बजता तो स्वर्ग में इधर उधर प्रभु के बच्चे लोग पहले से मरे हुए हैं उधर गए, वो लोग बहुत आनंदित होते थे और वो स्वर्गीय दूत भी आनंदित होकर वो लोग प्रभु के लिए स्तुति गीत गाते थे सब लोग मिलकर। फिर ये दास ने पूछा ये एक स्वर्गदूत से, ये क्या गंडी, ये गंडी बीच बीच में बज रहा है, सब लोग इतना आनंदित हो रहे हैं। तब वो स्वर्गीय दूत ने बोला, पृथ्वी में एक व्यक्ति, एक पापी
प्रभु का वचन के ऊपर विश्वास करते हुए अपना जीवन को प्रभु को समर्पण करते हैं, उद्धार पाते हैं, तो इधर घंटी बजता है तो सब लोग मिलकर स्वर्गीय दूत भी और प्रभु के बच्चे लोग जो पहले से उधर गए आनंदित होते हैं। प्रिय भाई बहन, वो एक विश्वास, विश्वास एक राय का दाना के समान, लेकिन वो विश्वास हमारा जीवन में शुरुआत है। उसके बाद में हम इतना आनंद काल तक हम एक दूसरा राज्य में आ जाते हैं, अंधकार के राज्य से हमको छुड़ा कर प्रभु अपना प्रिय पुत्र का राज्य ज्योतिमय राज्य में हमें प्रवेश करा देते हैं। जिस दिन हम वो राय का दाना जैसे विश्वास प्रभु ऊपर रखा उद्धार के लिए, तब स्वर्ग हमारा जगह हो जाता है। अनंत काल तक युगान युग इतना बड़ा कार्य उस विश्वास से होता है। इतना ही नहीं है, स्वर्ग का राज्य एक विश्वास से शुरू होता है। कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी जिलावट को देखिए, कोई कोई देशों में बड़ा बड़ा जिलावट इतिहास में हुआ। जिलावट मतलब तुरंत कई लोग भीड़ में लोग तुरंत उद्धार पाएंगे, कलीसिया भरा हुआ रहेगा, लोग सुबह 4 बजे मीटिंग रखेंगे तो भी पूरा मैदान भरा हुआ रहेगा। वही बोलते हैं जिलावट, बेदारी, वो कैसे होता है आप इतिहास में देखिए, पढ़ के देखिए। जो भी ऐसे जिलावट हुआ देशों में, कोई छोटा सा एक झुंड, कोई बुढ़ी बहन लो उपवास करके रोज प्रार्थना, रोज फ्यू आवर्स थोड़ा घंटा प्रार्थना, कई हफ्ता महीना और सालों कई सालों प्रार्थना करते रहे विश्वास के साथ, प्रभु हमारा प्रार्थना सुनकर आप बेदारी जागृति भेजेंगे। वो विश्वास 2-3 लोग हो सकते हैं, इतिहास में ऐसे हुआ। साधारण लोग प्रार्थना निरंतर विश्वास के साथ करते रहते थे, पूरा बड़े बड़े देशों में कितने लाखों लोग उद्धार पाए। यही है भाग दिखता है, लेकिन एक दाना, एक छोटा सा एक झुंड विश्वास से प्रार्थना किया, प्रभु का राज्य का शुरुआत छोटा सा होता है। एंड्रो मकर के एक सेवक हमको मालूम है, वो 20-25 लोग उनका कलीसिया में थे, उनका शुरुआत, लेकिन उनका अंदर प्रभु का वचन को ऊपर विश्वास किया, अपना जीवन को समर्पण किया विश्वास से, वो अभी पूरा विश्व भर कितने देशों में वो उनका मिनिस्ट्री है, कितने लोग करोड़ों लोग उनके द्वारा आशीष पाए हैं। यही है मेन राय का दाना जैसे विश्वास, उसको हम मतलब बात मानना है, ओबीडियंस। इब्राहिम को देखिए, वो बाहर दिखता है, वो पहले उपमान में वही प्रभु ने बोला, वो अब्राहम इब्राहिम को देखिए, जब वो इराक में एक छोटा सा जगह में प्रभु जब उनको दर्शन दिया, प्रभु उनको वायदा किया, तुम इस जगह को छोड़कर जो देश में दिखाता हूँ उधर जाओ, तुम्हें ये करूँगा वो करूँगा, आशीष करूँगा ये करूँगा वो करूँगा, तब अब्राहम का अंदर विश्वास आया, प्रभु का वचन को ऊपर विश्वास आया, एक राय का दाना जैसे विश्वास। वो विश्वास से बात मानकर तुरंत निकल पड़ा। अभी अब्राहम के बारे में कौन जाना नहीं है, मुसलमान का देश कितने देश हैं सब इब्राहिम को जानते हैं, क्योंकि इस्माइल इब्राहिम का बेटा है, इसहाक यहूदी लोग अब्राहम को जानते हैं, और यहूदी धर्म से जो मसीह धर्म आया यीशु मसीह आने के बाद में, वो क्रिश्चियंस सबको मालूम है अब्राहम कौन है, स्वर्ग में सबको मालूम है अब्राहम कौन है, हम सब अब्राहम के बच्चे बन गए, इब्राहिम के बच्चे विश्वास के द्वारा। कलाती में पौलुस लिखते हैं, इब्राहिम का एक छोटा सा राय का दाना जैसे विश्वास, जो प्रभु उनको दर्शन दे के बताए, तुरंत विश्वास किया और बात माना, कितना पूरा विश्व में दिखाई देता है, पूरा विश्व में इब्राहिम का नाम फैल गया। तुम्हारा नाम को मैं बड़ा करूँगा करके प्रभु ने वायदा किया, वही वो पूरा हो गया। प्रिय भाई बहनों, छोटा सा कुछ विश्वास एक सेवक के अंदर, एक मनुष्य के अंदर जब पूर्ण विश्वास, वो राय का दाना का समान है, लेकिन वो राय का दाना कोई भी दुनिया में कोई भी साइंटिस्ट उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। राय का दाना जो है ओरिजिनल राय का दाना, वो केवल प्रभु का वचन, उत्पत्ति का पहले अध्याय में प्रभु ने बोला, सब अपना वो बीज
उत्पन्न हो जाए, पेड़ हो जाए, फल हो जाए। प्रभु का वचन के अनुसार वो राई का दाना सृष्टि किया गया, इसलिए वो राई का दाना के अंदर जीवन है, प्रभु उनका अंदर रखा है, बल रखा है, सामर्थ्य रखा है। वो सही जगह में बोया जाता है तब वो बड़ा पेड़ बनकर पूरा सबको दिखाई देता है। सब अतः आपको मालूम है अंजीर का पेड़ और ज, ज, और बड़ा पेड़ जो और को क्या बोलते हैं, बड़े बड़े पेड़ का कोई कोई छोटा सा, मद्रास में एक पेड़ है मतलब बनियन ट्री, इंग्लिश में बनियन ट्री बोलते हैं, वो क्या है छोटा बीज है अड़ियार करके एक जगह है, एक बीज से एक पेड़ आया। उनके बाद बनियन ट्री में क्या है पेड़ बड़ा होने के बाद में, वो पका होने के बाद में उसमें से रूट्स ऊपर से आता है, ब्रांचेस से ऊपर से आता है, वो नीचे जब आकर जमीन को टच करता है उधर वो एक पेड़ जैसे बन जाता है। अड़ियार करके एक जगह में कहीं एकड़ एकड़ में एक पेड़, एक बीज के द्वारा एक पेड़ आया बनियन ट्री, उसमें पूरा एकड़ एकड़ पूरा बनियन ट्रीस हो गया है। यही है प्रभु का जो ऊपर जो विश्वास वो हमारा अंदर आता है, हम रखते हैं अपना हृदय में, बड़ा कार्य होगा, प्रकट हो जाएगा सब। अगले हम उपमान में हम प्रभु देखते खमीर का दृष्टांत। खमीर कभी भी बाइबल में अच्छी चीज़ को बताता नहीं है, खमीर गलत उपदेश को बताता है, गलत उपदेश मतलब वो एक जो भी गलत उपदेश परिसी लोगों की गलत उपदेश के बारे में प्रभु बोलते हैं तो ये बोलता है खमीर। पौलोस भी लिखते हैं खमीर, खमीर के बारे में वो गलत उपदेश और कुछ अच्छा चीज़ नहीं है खमीर जो बाइबल में देखा जाए तो। लेकिन बाइबल में हमको पहले से हमको मालूम है कोई कोई उपमान में प्रभु आपो से नेगेटिव बोलकर उसमें पॉजिटिव कंक्लूजन निकालते हैं। प्रभु ने बोला गया एक उपमान बोला गया, एक शगर में एक न्यायाधीश था, वो दुष्ट था, परमेश्वर का डर उनका नहीं है, मनुष्य से भी डरता नहीं है वो, लेकिन वो एक विधवा बहन रोज जाके मुझे न्याय करो न्याय करो न्याय करो तंग करते रहे। तब एक दिन आया वो दुष्ट न्यायाधीश ने सोचा ठीक है क्या करो, ये विधवा आप रोज मुझे तंग कर रही है करके उनको न्याय किया। तब परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या बोल रहा है देखो, वो न्यायाधीश के बारे में अपना को न्यायाधीश के रूप में बताते, परमेश्वर एक अच्छा न्यायाधीश है, वो ये दुष्ट न्यायाधीश ऐसे करता है तो एक अच्छा न्यायाधीश परमेश्वर वो अपने अपना नाम से परमेश्वर के नाम से रात दिन पुकारने वाले अपने बच्चों के लिए धीरज के साथ उनके लिए सही समय पर उत्तर देगा कि नहीं देंगे। मतलब वो दुष्ट न्यायाधीश है उपमान पर बताते हैं लेकिन कंक्लूशन ले रहा है अपने बारे में, परमेश्वर एक अच्छा न्यायाधीश करके वो ले रहा है। और हम ऐसे ही कई जगह में हम देख सकते हैं परमेश्वर का उपमान जब बोलते हैं ऐसे नेगेटिव में शुरू करता है लेकिन बोलते हैं लेकिन उसमें से पॉजिटिव कंक्लूशन पॉजिटिव बोलते हैं उनका बदल कर पॉजिटिव बोलते हैं, ऐसे हम ले सकते हैं। खमीर कभी भी अच्छी चीज़ नहीं है लेकिन खमीर का अंदर एक गुण है, खमीर का अंदर एक गुण है, वो क्या गुण है खमीर का अंदर क्या गुण है, वो छोटा थोड़ा सा एक ज़्यादा आटा का अंदर रखेंगे तो भी अपना सामान इतना किलो भी हो वो उनको बदल देगा, अपना सामान बदल देगा। अब देखिएगा दही एक बड़ा बर्तन 100 लीटर दूध भर के एक बड़ा बर्तन में अब थोड़ा एक स्पून दही डाल दीजिए रात में, अगले दिन देखेंगे पूरा दही बन जाएगा, वो 100 लीटर दूध दही बन जाएगा। अपना गुण के समान उनको बदलने के लिए सामर्थ वो दही में है, वो खमीर खमीर का वो आटा खमीर आटा में है, वही हम लेना है इस उपमान में, खमीर को वही लेना। खमीर अच्छी चीज़ नहीं है परमेश्वर के वचन में लिखा नहीं है लेकिन खमीर में सोचती हूँ खमीर प्रभु का वचन इधर वो गुण प्रभु का वचन का अंदर है। वो प्रभु बोलते हैं प्रभु का राज्य
एक मनुष्य का अंदर कैसे बदलावट लेके आता है, खमीर के समान। प्रभु का उपदेश, प्रभु का वचन हमारा हृदय में, जब हम उनका ऊपर विश्वास करते हुए, सुसमाचार को विश्वास करते हुए प्रभु का बच्चा बन जाते हैं, प्रभु अपना वचनों को हमारा हृदय में लिखते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, हृदय के पट्टी पर हमको लिखते हैं हमारा अंदर, उस वचन हमारा आत्मा में रहता है। लेकिन आत्मा में यह रह कर हमारा प्राण में आ जाता है जब हम जगह देते हैं। रोमियो का 12 अध्याय में पढ़ते हैं, वचन से हमारा मन बदलते जाता है, हमारा आइडियाज, हमारा विचार, हमारा मनोभावना बदलते जाता, वचन के अनुसार हम बदलते जाएंगे, हमारा शरीर में भी वो असर पड़ता है, शरीर में चंगाई, शरीर को हम धार्मिकता का हथियार के रूप में, हमारा शरीर के अंगों को हम उपयोग करने के लिए, परमेश्वर का वचन हमारा प्राण में बदलावट लेके आता है, तब आत्मा से प्राण में आता है, प्राण में बदलावट के द्वारा प्राण से शरीर में प्रकट होता है। प्रिय भाई बहन, एक मनुष्य 3 भाग में गए, प्राण, आत्मा, शरीर। प्रभु का वचन एक व्यक्ति का आत्मा का अंदर आ गया, खमीर का आटा समान, उनका गुण क्या गए, पूरा 3 भाग को बदलेगा, प्राण, आत्मा, शरीर को बदलेगा। उस गुण उस परमेश्वर का वचन का अंदर है। कितना महान कार्य परमेश्वर का वचन करता है, एक व्यक्ति को बदल देता है। याकूब कहते हैं परमेश्वर का वचन के द्वारा ही हम बदलते जाते हैं। वो पत्रस लिखते हैं, क्या पत्रस लिखता है, पत्रस लिखता है आपका नया जन्म, मतलब प्रभु का बच्चा बनना, प्रभु का राज्य में जन्म होना, ये कैसे हुआ, जो नाशवान बीज से नहीं, अविनाशी वचन, बीज वचन, उस वचन से हम नया जन्म पाए, हम नई सृष्टि बन गए, उस वचन हमें नई सृष्टि बनाया, उस वचन के ऊपर हम जब विश्वास किया, उस वचन हमारा अंदर हम लिए आ गए, प्रभु का वचन, एक एक वचन हमें बदलने के लिए सामर्थ्य ताकत उनका अंदर गए। प्रिय भाई बहनों, वो गुण प्रभु का वचन का अंदर गए, हमें बदलेगा ऑटोमेटिकली, एफर्टलेस चेंज करके। एंड्रोमो के एक बुक लिखा है, उसमें क्या है, कुछ हम बहुत प्रयास करने बगैर भी हमारे जीवन में बदलावट होते रहेगी, कब, उस वचन को हमारा अंदर हम रखेंगे, उनके लिए जगह देंगे, उनके अनुसार सोचने लगेंगे, उनको हम पालन करने लगेंगे, उनका डर मानने लगेंगे, प्रभु का वचन को, हमारा जीवन कभी भी पहले जैसे नहीं रहेगा। पहले गया दिन में, गया साल कैसी थी, आज मैं ऐसे नहीं रहती हूँ, मेरा जीवन में बदलाव तो आ गए, मुझे दिखता नहीं है, लेकिन वो एक बड़ा बर्तन में वो स्त्री ने रख के चला गई, तो सोने के लिए चली गई, लेकिन सुबह आके देखती है पूरा वो ऊपर आ गया, खट्टा कमी बन गया, पूरा खट्टा हो गया। वैसे ही हमारा जीवन में दिन, एक हफ्ता, महीना, साल जाते रहता, बीते जाता है, लेकिन प्रभु का वचन के लिए हम जगह देंगे, उसका ऐसा गुण है हमें उनके समान बदलेगा। प्रभु का वचन कौन है, यीशु मसीह है, यीशु मसीह के स्वरूप में हमें बनाने के लिए परमेश्वर ने हमें पहले से ठहराया, हमें बुलाया, हमें महिमा दिया, ये सब चीज़ें अपना स्वरूप, पुत्र का स्वरूप में बनाने के लिए ही प्रभु का मेन है, हमारा प्राण, आत्मा, शरीर को अपना पुत्र का स्वरूप में बनाना है। जब प्रभु का आगमन में क्या होता है, अभी हमारा केवल हमारा आत्मा पूरा बदला हुआ है प्रभु का वचन के समान, प्रभु के यीशु मसीह के समान, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन आएगा, गुप्त आगमन, तब हमारा शरीर भी रूपांतर पाकर, जैसे यीशु मसीह पुनर्तान पाया हुआ शरीर, जो महिमामय शरीर मिला गए, वो उनका पुत्र पिता अपना पुत्र यीशु मसीह को महिमामय शरीर दिया गए, वही शरीर हमें भी मिलेगा, हमारा शरीर भी पुत्र का समान बन जाएगा, और हमारा आत्मा भी, हम हमारा प्राण, प्राण आत्मा नहीं, हमारा प्राण, प्राण में भी पूरा अनंत काल तक हम पुत्र का समान, पुत्र को जानते हुए हम ऐसे हमारा प्राण में भी बढ़ोतरी होते जाएगा। प्रिय भाई बहनों, कितनी बड़ी बात है, ये सब कैसे शुरू होता है, सुसमाचार का जो वचन है हम अंदर लिया, उसके वजह से। पौलुस जब रोम में जा रहा है, कैदी बनकर उनको लेके जा रहे हैं,
तब यीशु कलिशिये कलिशिया के आज्ञा बड़े लोग बड़ी लोगों को बड़े लोगों को वो बुलाकर क्या बोल रहा है, तुमको परमेश्वर का पवित्र वचन का अंदर में समर्पण करता हूँ। पौलोस हमेशा यीशु कलिशियाओं के साथ नहीं रह पाया, कुरिंदी कलिशिया वालों के पास नहीं रह पाया, कलाती कलिशिया वालों के पास नहीं रह पाया, रोमी कलिशिया लोगों के पास नहीं रह पाया, लेकिन किसके अंदर उनको समर्पण करते हैं, एक एक कलिशिया को प्रभु का वचन का अंदर समर्पण करते हैं, क्योंकि पौलोस उसको बता गए प्रभु का वचन का अंदर ऐसे सामर्थ्य के गुण गए, वो एक एक कलिशिया को बदलेगा, एक एक मनुष्य को बदलेगा। प्रभु कितना महान है, देखिए प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करें, प्रभु का वचन का जो महत्व स्थान दीजिए अपना जीवन में, विश्वास के लिए महत्व स्थान दीजिए, ये दोनों हम इस जगह से सीख रहे हैं। प्रभु आपको आशीष करें, आमीन।